आज बैठक को लेकर यमुनानगर में भी विरोध हुआ है, तो किसानों को क्यों नहीं? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये कोई किसान कहाँ है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई किसान विसान नहीं है। देखिए उपद्रवी लोग हैं, ये उपद्रवी लोग हैं जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ये ना किसान के तस्सी हैं, ना समाज के तस्सी हैं, ना प्रदेश के तस्सी हैं, सबके खिलाफ हैं ये लोग। इनका कोई नहीं, अपना टारगेट अभी कही दिया ना चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे तो पता चल जाएगा लोगों को, लोगों को पता इनके बारे में कुछ नहीं। ये कुछ लोग हैं, मुट्ठी पर लोग हैं, यही सारे सारे गड़बड़ करते हैं। बैठे तो बैठे ही रहेंगे, नहीं ये बैठे रहो कोई बात नहीं, वहाँ घर भी खाली है बेचारे, यहाँ बैठ के ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ ना करें कुछ भी। तो तीन दिन पंचायत का चुनाव है, लड़के देख लियो, उसमें पता चल जाएगा कि कितने बड़े महापुर। अभी जल्दी चुनाव होंगे पंचायत के, तो उसमें लड़के देख लियो। और अभी विधानसभा का चुनाव यूपी में रहा, और विधानसभा का चुनाव पंजाब में रहा, तो वहाँ भी दोनों जगह ने लड़ना चाहिए। चुड़ुनी साहब ने कह भी दिया कि हम चुनाव लड़ांगे, लड़ना चाहिए क्योंकि हम किसानों की सरकार बनावेंगे, तो किसान भी कितना इनके ऊपर विश्वास कराऊँ उसका पता चल जाएगा। ये कोई अगर थोड़ा भी विरोध कर देना कहीं गड़बड़ करने का, अब ऐसी व्यवस्था फैलाने वाले लोग तो बहुत थोड़े से लोग ही बड़ी व्यवस्था कर देंगे। मकान अगर गिरना हो ना, मकान गिरना हो तो एक आदमी बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं गिर सका, और अगर बनाना हो तो बनाने में बड़ा जोर लगा, तो ये वो व्यवस्था गड़बड़ करने वाले लोग। स्कूल खोल रहे 16 तारीख से स्कूल खोल दिए, और 9th से लेके 12th तक जो स्कूल हैं वो 16 को खोल रहे हैं, और जो 6ठी से लेके 9th तक के स्कूल हैं वो हम 23 को खोल रहे हैं। सर कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, तो क्या कुछ विशेष एहतियात के साथ खोले जाएंगे स्कूल? बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी है उसके लिए, अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका बिल्कुल हमने समुचित उसका इंतजाम हमने कर रखा है। लेकिन तीसरी लहर की कोई इंतजार नहीं करनी होती कि तीसरी लहर आएगी, अगर मान लो कोई ऐसी कोई बात आती है तो निश्चित तौर से तुरंत हम बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, हम उसके लिए निर्णय लेंगे, और स्कूल बंद भी कर सकते हैं उस टाइम।